Good morning, dear learners. How are you? I welcome you all. कैसे हैं आप सभी? I think you will be enjoying all your classes and hope you will be doing all your work. बच्चों, कल आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी सुना होगा कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 3 मई तक. तो हम सबको अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, समाज की सेफ्टी के लिए, अपने देश हित के लिए घर में ही रहना है. आप सभी से रिक्वेस्ट है और जो समय बच्चों आपको मिला है हमें इसका बेस्ट यूज करना है. ठीक है, हमें इस कोरोना के रूप में जो हमें अभिशाप मिला है इसको हमें वरदान में बदल देना है. ये जो टाइम हमें मिला है इसको हम बेस्ट यूज करके इसका पूरा फायदा उठाएंगे. ठीक है, देखते हैं, कोरोना तो अपने आप ही भाग जाएगा फिर. ठीक है, चलिए. तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो वेटेज है हमारे बोर्ड के एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम 70 मार्क्स का होता है उसमें वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली. ठीक है बच्चों, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. देन वी डिस्कस्ड 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, दैट इज चार्जिंग बाई कंडक्शन, देन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन. समवन इज आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं ये? ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सिंपली यू कैन कॉल इट लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है ये हम जानेंगे. दूसरा, वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है बच्चों, और हम ये जानेंगे कूलम्स लॉ जो है उसको हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के हमारे ये टॉपिक्स होंगे. लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया जाएगा, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विद टुडेज टॉपिक लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, तो बच्चों कल मैंने आपको बताया कि मेथड्स, देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी. अब बॉडी हो चुकी है चार्ज. ठीक, अब ऐसी बॉडी भी होती है जो अनचार्ज होती है, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और एक बॉडी जो चार्ज हो चुकी है. ठीक है, नाउ हाउ शैल वी नो, अब वो चार्ज बच्चों आपको आंखों से तो दिखाई देगा नहीं, देन हाउ शैल वी नो दैट वट इज वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट. ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, वो बॉडी चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है. दूसरा पॉइंट, हाउ शैल वी नो वट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी. तो ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी भी चल रहे हैं. पहला, कि हम कैसे पता लगाएं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है. दूसरा, कि अगर उस पर चार्ज है तो वो कौन से टाइप का चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है या ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है बच्चों, तो ये जानने के लिए हमारे पास, वी आर लकी टू हैव अ डिवाइस कॉल्ड एज लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इट इज वेरी सिंपल डिवाइस एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट योर सेल्फ. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है. तो गोल्ड लीफ तो नहीं आप बना सकते, गोल्ड तो बड़ा कॉस्टली है, बट यू कैन मेक इट विद एल्यूमिनियम फॉइल. जो बच्चों आपका लंच रैप करने के लिए टिफिन बॉक्स में मम्मी आपके लिए यूज करती है एल्यूमिनियम फॉइल, उसकी हेल्प से, पतली वाली जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उससे भी आप ये लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं. ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, तो देखिए क्या होता है, एक बॉटल टाइप होती है इस तरह की, जो आप सिंपली कोई भी ग्लास की बॉटल आप ले सकते हैं लाइक दिस. और बच्चों एक इस तरह से एक मेटल की रॉड होती है इसमें, और यहां पे इसकी एक मेटल कैप है. ठीक है, चलिए, और यहां से इसके यहां पे हुक टाइप होता है बच्चों, जैसे हुक होता है ना इस तरह का,
हैंगर टाइप हुक बना देते हैं हम कोई चीज लटकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हुक है और मैं यहाँ पे इस रबड़ को लटकाना चाहूं तो ऐसे लटक जाएगा ये लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे एक हुक जैसा बना होता है लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, आप देख सकते हैं। और ये जो रॉड है बच्चों ये मेटल की है, मेटल रॉड, ठीक है। तो ये हमारी बोतल है, जार है जो कि बंद है चारों तरफ से, ठीक है, एयर से इंसुलेटेड है, एयर ज्यादा इस पे इफेक्ट ना डाले किसी भी तरह का। तो अब मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, जिसको हमें चेक करना है कि वो चार्ज है कि नहीं है, ओके। और बच्चों क्या होता है, ये जो इसका हुक है, इस हुक के ऊपर एक जो फॉयल होती है, एल्यूमिनियम फॉयल या गोल्ड लीफ जिसे हम कह सकते हैं, उसको हम, देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हम लटका देते हैं, ठीक है। आई विल शो यू, एक छोटी सी लीफ होती है, ये बड़ी लीफ है, बहुत बड़ी, मैं तो आपको जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। तो ये जो हुक है इस पे इसको इस तरह से ऐसे लटका दिया जाता है बच्चों, लाइक दिस, और ये ऐसे बंद होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इस पे लटका दूं तो ये ऐसे बंद है, ऐसे बंद है, तो ये इस हुक के ऊपर लटकी रहती है ऐसे करके, इस तरह इसका फेस रहता है, ठीक। अब मान लो हमें पता लगाना है कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज आई हैव ए रॉड, मान लो मेरे पास एक ये रॉड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि इस हुक के ऊपर ये जो हुक है, ऑन दिस हुक जो आपकी लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स, वो टंगी होती हैं इस तरह करके, दो लीफ ऐसे करके इसके ऊपर टंगी हुई है यूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें ये रॉड दी हुई है लेट अस सपोज, ठीक है। अगर मैं इसको टच करूं इससे, यहां पे तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि मैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, मगर जब एक्चुअल में मान लो ये रॉड है, देन हाउ विल यू सी कि चार्ज इस पे है कि नहीं है, आपको दिखाई तो देगा नहीं ना। तो आपको क्या करना है, इसको लेट अस सपोज कि ये मेटल की रॉड है, इसको आपने किसी इंसुलेटिंग क्लैंप वगैरह से, इंसुलेटर से पकड़ना है, फिर बता रहा हूं, अदरवाइज क्या होगा, वो चार्ज आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इंसुलेटर से इसको पकड़ के इससे टच करा देना है, ठीक है। जैसे हम इसको इससे टच कराएंगे देखो क्या होगा, टच कराने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक फिनोमेना होगा कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन से क्या होगा, कुछ चार्ज इस रॉड का यहां से होते हुए, ये मेटल की रॉड है, ये मेटल की कैप है, मेटल कैप, तो जो चार्ज है बच्चों, दैट चार्ज विल गो थ्रू दिस रॉड ऑन टू द लीव्स, वो तो चार्ज है बच्चों, दोनों लीव्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो दोनों लीव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लीव भी किसकी है, मेटल की है, गोल्ड की है, तो इस पे भी आएगा पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो क्या होगा, जो लीव्स हैं दे विल ओपन लाइक दिस, इस तरह से जो लीफ है हमारी वो खुल जाएंगी, ठीक है, ऐसे खुल जाएंगी। मतलब कि आप इस तरह देख सकते हैं इसको, सपोज ये हैंगर है तो हमारी लीव्स ओपन हो जाएंगी अगर इस पे चार्ज है तो, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड हमने यहां पे टच करी तो जो हमारी लीव्स थी बच्चों खुल गई, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इस रॉड को हमने यहां से हटा दिया, ठीक है। अब चार्ज तो बच्चों अभी भी लीव्स के ऊपर है और लीव्स क्या कर गई है, ओपन हो गई है, देखो इस तरह खुली हुई है। तो अगर लीव खुल जाए, इफ लीव्स ओपन आफ्टर टचिंग द रॉड, अगर रॉड को यहां पे टच करने पर जो लीव्स है वो ओपन कर जाए, इसका मतलब कि रॉड के ऊपर चार्ज था, ठीक है बच्चों। अगर रॉड के ऊपर चार्ज ना होता तो क्या होता, अगर रॉड के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता तो यहां पे चार्ज कहां से आता, और यहां पे चार्ज नहीं आता तो बच्चों लीव्स हमारी क्लोज ही रहती, ठीक है। तो अगर लीव्स आफ्टर टचिंग द बॉडी विद दिस मेटल कैप, तो जो भी आपके पास बॉडी है किसी भी शेप की, अगर आपको इससे टच कर रहे हो और टच करने के बाद ये लीव्स रिमेन क्लोज्ड, अगर ये बंद रहती हैं, दैट मींस कि उस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। अगर टच करने के बाद बॉडी को इससे लीव्स खुल जाती हैं, दैट मींस उसकी बॉडी पे चार्ज है, ओके। चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक काम करते हैं, इसको यहां से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन यू टेल मी। अगर मैं इसको यहां से अर्थ से कनेक्ट कर दूं, व्हाट विल हैपन, तो अर्थ से कनेक्ट करने से बच्चों ये जो चार्ज है इट विल कम बैक
एंड वाया दिस वायर इट विल गो टू अर्थ, अर्थ में चला जाएगा और जो हमारी लीव है बच्चों दोबारा से क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हमें इस ये जो हमारा लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको दोबारा से अगर हमें यहाँ पे इसकी लीव्स के चार्ज को डिस्ट्रॉय करना है, यहाँ पर चार्ज को दोबारा डिस्ट्रॉय नहीं बोलेंगे बिकॉज चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इफ यू वांट टू मेक दिस चार्ज डिसअपीयर देन व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट दिस मेटल रॉड विद द ग्राउंड। तो बच्चों जो चार्ज है वापस कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया और दोबारा से हमारी लीव क्या हो गई, क्लोज हो गई। ओके, नाउ लेट अस डिस्कनेक्ट दिस अगेन, अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट अस हैव, आई हैव अनदर रॉड जिसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली रॉड को इससे टच कराऊंगा तो बच्चों क्या होगा, यहां से अगर टच करा देंगे इसको हम लाइक दिस, तो जो नेगेटिव चार्ज है इस रॉड का, नेगेटिव चार्ज में से कुछ चार्ज, सम ऑफ द चार्ज विल थ्रू दिस मेटल रॉड विल गो ऑन टू द लीव्स, लीव्स पे चला जाएगा और क्या होगा, दोनों लीव्स पे कैसा चार्ज आएगा negative. बताओ क्या दोनों लीव्स पे नेगेटिव आएगा या एक पे पॉजिटिव आएगा, मैसेज करके बताओ। चलो व्हाट काइंड ऑफ चार्ज विल अपीयर ऑन बोथ टाइप ऑफ लीव्स, विल इट बी नेगेटिव ऑन बोथ या एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा, बताइए। कम ऑन फास्ट, आप मैसेज करके मेरे को बताइए बच्चों कि अगर हम इस नेगेटिव चार्ज की रोड को इससे टच करेंगे मेटल कैप से तो व्हाट विल हैपन, दोनों लीव्स पे किस तरह का चार्ज आएगा एंड व्हाट विल हैपन टू द लीव्स। नेट ही चला गया इसका, देखो नेट नहीं आ रहा, इसमें मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तो हमें देख सकता हूं यहां पे कि दोनों लीव से बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इस पे भी नेगेटिव आएगा और इस पे भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों लीव्स पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो बच्चों लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये दोनों लीव्स पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों लीव्स क्या करेंगी, फिर से दोबारा खुल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज की रॉड को टच करेंगे तो भी लीव्स खुल जाएंगी बच्चों, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की रॉड को टच करेंगे तो भी लीव्स खुल जाएंगी। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की रॉड को टच करेंगे दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लीव्स ओपन हो जाएंगी। नेगेटिव चार्ज की रोड को टच करेंगे तो दोनों लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से लीव्स ओपन हो जाएंगी। सो इन बोथ हमने देखा कि लीव्स ओपन हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो अगर बॉडी पे चार्ज है, चार्ज बॉडी को अगर हम इस मेटल कैप से टच करते हैं तो बच्चों लीव्स ओपन हो जाती हैं, दैट मींस कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, और जैसे ही बच्चों हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे व्हाट विल हैपन, अगेन जो चार्ज है वो वापस कहां चला जाएगा, इट विल गो टू अर्थ, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, और हमारी लीव्स दोबारा से क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेट अस सपोज आई हैव अनदर रॉड, थर्ड रॉड एंड विच इज अनचार्ज, मान लो मेरे पास एक और रॉड है बच्चों और ये वाली जो रॉड है ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, नाउ इफ आई टच दिस अनचार्ज रॉड विद दिस मेटल कैप, अगर मैं अनचार्ज रॉड को मेटल कैप से टच करूं तो बताओ क्या होगा, बताओ, चलिए मैसेज करके बताइए क्या होगा। अगर अनचार्ज रोड को टच करते हैं लीव्स खुलेंगी बंद हो जाएंगी या ऐसे ही रहेंगी, रिया शर्मा बेटा अर्थिंग का इफेक्ट ये होता है कि जो भी चार्ज अगर बॉडी पे है, अर्थिंग करने का मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द पाथ टू द चार्ज टू गो टू द ग्राउंड। ओके, तो अर्थिंग करने से क्या होगा, जो चार्ज है इट विल गो टू ग्राउंड। अगर कोई भी चार्ज लीफ पे होता है तो वो चार्ज बच्चों यहां से होते हुए वापस ग्राउंड में चले जाता है। ठीक है, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो अब हमने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने के बाद हम इसको हटा देते हैं यहां से अर्थिंग को। ओके, अब अगर हम एक काम करके देखते हैं, अब इसको टच करते हैं ये वाली रॉड को, आप देख सकते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, लीफ विल नॉट ओपन। वेरी गुड Surbhi Panwar, थैंक यू बेटा। लीफ अश्वनी
कुलकर्णी, लीफ विल रिमेन क्लोज्ड, वेरी गुड। तो लीफ बच्चों बंद ही रहेंगी, ठीक है ना। तो हम यहां से तीन पॉइंट समझे कि अगर पॉजिटिव चार्ज की रॉड को टच करेंगे यहां से तो भी लीफ खुलेंगी, नेगेटिव चार्ज की रॉड को टच करेंगे तो भी लीफ खुलेंगी, और अनचार्ज रॉड को टच करेंगे तो जो लीफ है, लीफ ऑफ द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप विल रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पता लगाया, हमने पता लगाया बच्चों कि वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो सिंपल सा फंडा है कि इफ द बॉडी इज चार्ज एंड इफ वी टच द बॉडी विद दिस मेटल कैप, द लीव्स ऑफ द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ओपन। If the leaf of the leaf electroscope open, that means the body is having charge. And if the leaves of the leaf electroscope remain closed, that means body is uncharged. ठीक है बच्चों? तो जो पहला हमारा question था कि whether a body is charged or not, इसका answer हमें यहां से मिल गया, ठीक है। Leaves खुल जाएं तो body पे charge है, अगर leaf ना खुलें तो body पे कोई charge नहीं है। मगर अभी भी बच्चों second question still remains unanswered. That what is the kind of charge on the body? How shall we know with the help of leaf electroscope कि body पे charge जो है वो किस type का है, ठीक है, कैसा charge body के ऊपर present है, ये उसकी nature क्या होगी, positive present है कि negative present है, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि positive charge के case में भी leaf खुल रही है, ठीक है, और negative charge के case में भी leaf खुल रही है। अब बताओ, तो देखते हैं, देखो इसके लिए क्या करें हम, चलिए। तो बच्चों सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है इसकी लीव्स के ऊपर, होल ऑफ द चार्ज विल गो टू द अर्थ, अर्थ पे चला जाएगा, और इनिशियली लीव्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, लाइक दिस। तो लीव विल रिमेन कंप्लीटली क्लोज्ड, इट विल लुक लाइक ए सिंगल लीव, इस तरह आपको दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, बिकॉज दोनों लीफ क्या हो गई, पूरी तरह से ऐसे करके क्लोज हो गई, ओके। तो ये इस तरह हो गया हमारा। नाउ सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, लेट अस सपोज आई नो दैट कि अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लोथ से, कुछ पेयर मैंने आपको बताए थे कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और सिल्क क्लोथ पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। तो तीन चार पेयर मैंने आपको बताए कि ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क क्लोथ पे नेगेटिव। ड्राई हेयर में कॉम्ब करेंगे, ठीक है, तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव, कॉम्ब पे नेगेटिव। बट हमें पता लगाना किसी और बॉडी पे क्या चार्ज है। सपोज करो मेरे पास ये कोई रॉड है एंड आई वॉन्ट टू नो ये चार्ज रॉड है, ओके, इट इज चार्ज, बट आई डोंट नो that what is the type of charge, what is the kind of charge on this rod, okay, इस रोड पे चार्ज कैसा है ये मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what I do, I take a glass rod, another glass rod, एक और glass rod में लेता हूं। सपोज ये glass rod मैंने ले ली बच्चों, और इसको मैं क्या करता हूं, एक सिल्क के कपड़े से, सपोज दिस इज सिल्क क्लोथ, सिल्क क्लोथ, इसको मैं इससे रब करता हूं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरे हाथ में हैंकी है, लेट अस सपोज कि ये सिल्क का होता, ठीक है, इफ इट इज सिल्क क्लोथ, और मान लो कि ये ग्लास रोड होती, इस तरह करके ये ग्लास रोड है, मान लो, मान सकते हैं, फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ट्वेल्थ क्लास में आप पहुंच चुके, इतना तो समझ सकते हैं कि हम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सपोज ये ग्लास रोड होती और ये सिल्क क्लोथ होता, ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको इसके ऊपर ऐसे लपेट के और मैं रब करूं ऐसे लाइक दिस, आपके घर में अगर ग्लास रोड हो और कोई सिल्क की आपकी मम्मी की चुन्नी वगैरह हो तो उसको आप इस तरह करके रब कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह रब करेंगे बच्चों तो क्या होगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लोथ, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ग्लास रोड से कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लोथ में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इससे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ में चले गए तो जो ग्लास की रॉड थी ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं इसको यहां से पकड़ लूं तो बताओ मुझे शॉक लगेगा, यू टेल मी कि ये ग्लास रॉड है, इसको मैंने सिल्क क्लोथ से रगड़ा, ऐसे रब किया और इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूं तो क्या मुझे कोई शॉक लगेगा, टेल मी, आंसर करके बताइए मैसेज में, प्लीज टेल मी इन द मैसेज बॉक्स कि अगर मैं इसको रब करके
ऐसे होल्ड करके रखूं, विल आई गेट एनी शॉक? बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, कम ऑन फास्ट। यस, लेट अस सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। प्रतिष्ठा शर्मा, ओके। एनी अदर? और बताइए बच्चों, कोई शौक हमें लगेगा क्या? श्रीनिवास प्रसाद, नथिंग विल हैपन, ओके। बताइए, बेटा मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं सिल्क क्लोथ को ग्लास रोड से रग लूं, ऐसे रब करूं, अगर ये ग्लास रोड है और सिल्क क्लोथ है, तो अब मुझे कोई शौक लगेगा? यस, थोड़ा बेटा नेट स्लो है मेरे पास, जहां पे मैं देख रहा हूं तो रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो आ रहे हैं, तो आई कैन सी योर रेस्पॉन्सेस, लेट मी सी। नो शॉक, यस। कुमारी ज्योति, अमन तिवारी, वेरी गुड, ठीक है। दो लोगों ने आंसर दिया, बहुत लोगों ने दिया, वेरी गुड। नो, कोई शौक हमें नहीं लगे, क्यों नहीं लगेगा शौक बताइए? क्योंकि बच्चों ये जो ग्लास की रॉड है ये इंसुलेटर है, ठीक है, और जहां से हमने पकड़ा है अब ये पूरी इंसुलेटर बॉडी है, जो चार्ज यहां पे डेवलप होगा, कहां पे डेवलप होता है चार्ज? जहां से उसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम रब करेंगे केवल उसी पोर्शन पे बच्चों चार्ज आता है, एंड चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू द दिस ग्लास रॉड, फ्लो करके वो यहां से हमारी बॉडी में नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्लास तो इंसुलेटर है ना, ठीक है। इसीलिए जो चार्ज अगर यहां पे हम रब कर रहे हैं इसके इस एंड पे, तो चार्ज यहीं पे रहेगा, जहां से हम रब करते हैं वहीं पे चार्ज रहता है, ओके। तो बच्चों ये जो ग्लास की रॉड थी इसको हमने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया, ठीक है, इससे रगड़ने के बाद, और कैसा चार्ज इस पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ व्हाट आई डू, आई टच दिस रॉड, ठीक है, विद दिस मेटल कैप, इससे मैंने इसको टच कर दिया, ठीक है। अगर मैं ग्लास की रॉड को मेटल की कैप से टच कर देता हूं, व्हाट विल हैपन यू टेल मी? दिस साइड, इसकी जो ये वाली साइड थी इसको मैंने रब किया था, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, ये वाली साइड बच्चों ऐसे ही रहेगी, यहां से हमने पकड़ी हुई थी, तो इट इज नॉट चार्ज, बिकॉज मैंने इधर से रबिंग नहीं की है, मैंने केवल रबिंग यहां से की है, ठीक है। तो ये चार्ज यहां से होते हुए मेरी बॉडी में नहीं आ सकता, बिकॉज ग्लास रॉड इज इंसुलेटर, ओके। बट ये चार्ज क्योंकि मेटल से कनेक्ट कर दिया हमने रॉड को, तो मेटल तो कंडक्टर है, दिस चार्ज कैन फ्लो थ्रू द मेटल, ओके, सो इट विल गो थ्रू दिस मेटल रॉड ऑन बोथ द लीव्स, दोनों लीव्स पे जाएगा, व्हाट विल हैपन, बोथ द लीव्स विल ओपन, ओपन, वेरी गुड। सबसे पहला काम क्या करें यहां पे, देखो मैं भूल गया अर्थ को डिस्कनेक्ट करना, आपको बताना चाहिए मेरे को, अगर मैं अर्थ को डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये चार्ज यहां से अर्थ में ही चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड डिस्कनेक्ट द अर्थ, ठीक है। अब मैंने इसको टच किया इससे, तो बच्चों दोनों लीव्स क्या हो जाएंगी, ओपन कर जाएंगी, ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलिए इस तरह से हमने कर लिया इसको टच, ठीक है। अब एक काम करिए आप, इस ग्लास रॉड को यहां से हटा दीजिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें पता लगाना चाहते हैं, कि बॉडी पे काइंड ऑफ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा ऐसी बॉडी जिनके बारे में मुझे पहले से ही पता है कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से मैं रब करूंगा तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, ऐसा एक पेयर मैंने ले लिया और उस ग्लास रॉड को मैंने यहां से टच कर दिया, ठीक है। सो दोनों लीव्स पे आई गेट पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ माय क्वेश्चन, अब इसको मैंने यहां से हटा दिया बच्चों, ठीक है, और लीव आपकी ओपन हो चुकी है। नाउ माय क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन क्या था मेरा, कि मुझे पता, ये जो मेरे पास एक रॉड थी इसके बारे में मेरे को मालूम करना है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन दिस रॉड, ठीक है। ग्लास रॉड के बारे में तो मेरे को मालूम है कि अगर मैं सिल्क क्लॉथ से इसको रब करूंगा तो ग्लास रॉड पे इस साइड जहां से मैंने रब किया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। मगर इस रॉड के बारे में अभी मुझे पता लगाना है दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन दिस रॉड, इस पे कैसा चार्ज है, ये रॉड है या कोई बॉडी है, ओके। तो एक काम करते हैं अब यहां से, तो अगर ये मेटल की है तो बच्चों किसी इंसुलेटिंग क्लैंप से पकड़ेंगे, अदरवाइज इसको यहां से इसको टच करके देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बॉडी थी इसका पता लगाना है कि मेरे को इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी भी लीफ खुली हुई है क्योंकि हमने इसको ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज थी उससे टच किया था, तो लीव्स खुली हुई हैं और मैंने अर्थिंग भी नहीं की है। ओके राइट, अब बच्चों देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को इससे टच कर देता हूं, ठीक है, अब मैं इस बॉडी को इससे टच करता हूं, क्या होगा देखिए, मान लो ये कोई बॉडी है, इससे मैंने इसको टच कर दिया, तो जैसे ही बच्चों मैं इसको टच करूंगा क्या होगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज यहां से मेटल कैप से होता हुआ इन लीव्स पे जाएगा, ठीक है, और दोनों लीव्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, पहले भी पॉजिटिव था, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, तो क्या होगा, लीव्स विल ओपन मोर, बच्चों लीफ और ज्यादा खुल जाएंगी, ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो लीफ और ज्यादा खुल जाएंगी, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज जब इस पे जाएगा तो कुछ नेगेटिव चार्ज, सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट यहां पे कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, लीव्स का जो बीच का गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो अगर इसको टच करने पर लीव्स के बीच का गैप कम हो जाए, दैट मींस कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज से अपोजिट है, ठीक है, ग्लास रोड पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था, तो पहले दोनों लीव्स पे मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ओके, नाउ व्हेन आई टच दिस बॉडी, इस रॉड को अगर हम यहां पे टच करते हैं और लीफ अगर और ज्यादा खुल जाए, इसका मतलब इस पे भी वही चार्ज है जो ग्लास रॉड पे था, ओके, क्योंकि यहां पे लीफ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, ओके, सो लीव्स विल ओपन मोर, बट इफ इट इज नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो लीफ और ज्यादा खुल जाएंगी, और बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में लीफ और ज्यादा खुल जाएंगी लाइक दिस, बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लीव्स के बीच का गैप बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, तो बच्चों इस तरह से वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, कि किस बॉडी पे किस तरह का चार्ज है, ठीक है, तो ऐसा पता लगाने के लिए पहले मुझे लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करके रखना पड़ता है किसी ऐसी बॉडी से जिसके बारे में मेरे को पहले से ही पता है, जैसे कि फर्स्ट आई ऑलरेडी नो दैट ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क से रख लूंगा तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ही लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया, ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, अगर हमें यह पता लगाना हो कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, मेरा पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थ से कनेक्ट करके जो लीव्स हैं, ठीक है, दोनों लीव्स हैं उनके ऊपर चार्ज जीरो करेंगे, अगर हमें यह पता लगाना हो कि एक बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, बट अगर हमें यह पता लगाना हो कि बॉडी पे चार्ज कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को किसी ऐसी बॉडी से चार्ज कर लेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि उस पर चार्ज कौन सा है, तो जैसे अगर मुझे पता लगाना था कि इस पे कौन सा चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, तो मैंने पहले ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क से रगड़ा और लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया। यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड तो प्लीज टेल मी बच्चों, आई होप दैट योर टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। प्लीज टेल फास्ट, यस बेटा रिया शर्मा, सिल्क क्लॉथ से भी कर सकते हैं हम, कि अगर हम ग्लास रॉड के बजाय, मान लो ये सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे आ गया नेगेटिव रब करने के बाद, तो हमने क्या करना है, चलिए दोबारा से इस पॉइंट को देखते हैं कि अभी ये मान लो इलेक्ट्रोस्कोप है हमारा और हमें पता लगाना है कि इस बॉडी पे चार्ज कौन सा है, चलिए आप बताएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोबारा से सब कुछ मिटा देते हैं और आपको बताना होगा इस बार कि कौन सा चार्ज है, अगर आपने बता दिया इसका मतलब कि आप समझ गए, और नहीं बता पाए तो बच्चे कोई बात नहीं, हम दोबारा बताएंगे, ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, ओके, और इस पे बच्चों लटकी हुई हैं दो लीव्स, ठीक है, इस तरह से दो लीफ लटकी हैं, ये मेटल कैप है,
सर से पहले मुझे पता लगाना है कि ये बॉडी, ये कोई बॉडी है और इस पे चार्ज है कि नहीं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो बताइए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, टेल मी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बारी बारी से, आप बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर मुझे पता लगाना हो कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। चलिए बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे। अच्छा, अगर हमें पता लगाना हो कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, मेरे आई हैव टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि वेदर ए बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज। इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमें बच्चों लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देता है। तो पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं यहां पे, वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट, इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। तो बताइए बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेल मी। इस बॉडी को लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करा देंगे। सोच लो अभी, बताइए बताइए। उज्जवल दुहान कह रहे हैं कि टच इट विद मेटल कैप, इसको मेटल कैप से टच कर दो। बेटा टच करने से पहले एक काम और करके देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि लीफ पे पहले से ही कोई चार्ज ना रहे, ठीक है। हमें पहले काम यह करना है लीफ को न्यूट्रल बनाना है, ठीक है, दोनों लीव न्यूट्रल हो जानी चाहिए। तो अगर हमें पता लगाना है कि इस पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, क्या पता पहले से ही कोई लीव पे चार्ज रह गया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट दैट योर फ्रेंड, सम ऑफ योर फ्रेंड हैज डन, आपके किसी फ्रेंड ने किया हो, उसने एक्सपेरिमेंट किया हो और उसने बाद में उसको अर्थिंग ना की हो और ऑलरेडी कुछ चार्ज लीव पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इससे बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। थोड़ा बेटर हम देखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे ताकि कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है वो कहां चला जाए, अर्थ पे चला जाए और हमारी लीव्स पूरी तरह से क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है, इट लुक लाइक ए सिंगल लीव, ठीक है बच्चों। अर्थ से कनेक्ट करने से जो भी चार्ज अगर थोड़ा बहुत है तो वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब बिल्कुल दुहान साहब की बात सही है, आपने बताया था कि हम इसको इससे टच कर देंगे। चलिए टच कर दिया, अब बताइए क्या होगा, अगर लीव्स ओपन हो गई टच करने के बाद, लीव्स खुल गई, देन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इस पर कोई चार्ज है, इसका मतलब है ओपन होगा तो चार्ज है। वेरी गुड सुरभि पनवर, ओपन होगा तो चार्ज है। अंजना पांडे वेरी नाइस, ठीक है बेटा। तो अगर लीव्स ओपन नहीं हुई तो, अगर लीव्स ओपन नहीं हुई तो, इफ लीव्स स्टिल रिमेन क्लोज्ड तो क्या होगा, अगर टच करने के बाद भी लीव बंद ही बनी रहे इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से मिल गया, ओके। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन, मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। एक बॉडी है मेरे पास, लेट अस सपोज ये कोई रॉड है और मुझे पता लगाना है कि इस रॉड पे कौन सा चार्ज है, ये चार्ज रॉड है लेट अस सपोज, मगर मुझे इसके ऊपर चार्ज नहीं पता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से कनेक्ट तो कर ही लिया करो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे कनेक्ट करने में, जिससे कि दोनों लीव्स न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताइए, अब क्या किया जाए, अब हम एक ऐसा पेयर ढूंढते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि अगर उनको रब करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ, अगर मैं बात करूं पॉलिथिन पीस, सपोज ये कोई पॉलिथीन पीस है, पॉलिथीन पीस, और ये कोई वूल है, ठीक है, ये वूल है बच्चों। तो पॉलिथीन पीस को बच्चों अगर मैं वूल से रब करता हूं, रगड़ता हूं, देन यू नो दैट कि पॉलिथीन पीस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा,
पॉलिथिन पीस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वूल पे वूल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये मेरे को मालूम है, मगर मुझे पता क्या लगाना है कि इस पे चार्ज है कि नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऐसा पेयर उठाया जैसे पॉलिथिन पीस और वूल या ग्लास और सिल्क क्लोथ, जिनको रब करने से मेरे को मालूम है कि कैसा चार्ज आएगा। तो जैसे पॉलिथिन पीस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, आई टच दिस पॉलिथिन पीस विद दिस, टच कर देना इसको, मैंने इसको इसे टच कर दिया। एंड एज सून एज आई टच इट, व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिव चार्ज, सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज थ्रू दिस रॉ मेटल रॉड विल गो ऑन टू द लीव्स, एंड व्हाट विल हैपन, लीव्स विल ओपन, लीव बच्चों थोड़ी सी खुल जाएंगी, क्योंकि दोनों लीव्स पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, राइट। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, नाउ आई रिमूव दिस, ठीक है, क्योंकि दोनों लीफ नेगेटिवली चार्ज हो चुकी हैं, ठीक। तो पहला काम आप ये कर लिया करो, या तो इसको इससे टच कर लो या इसको इससे टच कर लो। इससे किया तो नेगेटिव आ गया, दोनों लीफ पे ओपन हो गई, इससे करते तो भी लीफ ओपन ही होती, किसी भी एक से टच कर लो, ठीक है। इससे टच कर लिया मैंने, तो मेरे को मालूम है कि पॉलिथिन पीस से इफ आई टच इट बोथ द लीव्स विल गेट नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन दिस बॉडी। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको इससे टच कर देते हैं, ठीक है। तो पहले एक नॉन पेयर से टच कराना है, नॉन पेयर जिसके बारे में मुझे मालूम था उनमें से किसी एक बॉडी से, फिर इसको हटा देना है। अब इससे टच करके देखो अब क्या होगा। अब तो मुझे बताओ कि अगर इससे टच करने के बाद लीफ और ज्यादा खुल गई, देन व्हाट डज इट मीन, गिव मी द आंसर, कि अगर इससे टच करने के बाद लीफ और ज्यादा खुल गई तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो बॉडी इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था। यस, न्यूटन शर्मा गिविंग राइट आंसर, और कोई बताइए बच्चों, अगर लीव्स और ज्यादा खुल जाएं तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आ रहे हैं। यस, अभी देखता हूं आपके आंसर क्या दे रहे हैं, आप सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। यस, सुरभि पनवर ऑलवेज गिविंग राइट आंसर, वेल राइट बेटा, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ज्योत्सना रिचा वेरी गुड, अमन तिवारी, शिवम शर्मा, सीमा राणा, पुष्पा बिस्ट मेहरा, रोहन बनाल, वेरी गुड रोहन, आई कैन सी यू, रिंकी शर्मा, हिमांशु सिंह, अश्वनी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर लीव्स और ज्यादा ओपन कर जाएं, इसका मतलब कि इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि और नेगेटिव आएगा तो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा लीव्स के ऊपर, एंड मोर नेगेटिव होगा तो लीव्स विल ओपन मोर, ठीक है। अगर इसको टच करने पर लीव्स के बीच का गैप बच्चों कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है, लाइक दिस, अगर लीव्स के बीच का गैप कम हो जाए इसका मतलब कि इस बॉडी पे अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि पॉजिटिव जाएगा तो कुछ पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और इससे ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने पता लगा लिए दो क्वेश्चंस के आंसर विद द हेल्प ऑफ लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर दैट यू कैन मेक योर ओन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वेरी सिंपल, यू जस्ट टेक ए ग्लास बॉटल ऑफ स्मॉल साइज, कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं, ठीक है, उस पे यू कैन हैव जस्ट लाइक कोई एनी मेटल कैप, कोई भी मेटल की इस तरह की रॉड आपके पास, अगर छोटी मोटी किसी भी स्टील की या किसी भी तरह की आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर एल्यूमिनियम की भी रॉड हो सकती है यहाँ पे, वो आप लगा सकते हैं, पतली सी कोई रॉड आपके पास हो, और उसके ऊपर आप जो आपके घर में आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी सिस्टर जो एल्यूमिनियम फॉयल यूज करती है आपके लिए खाना लपेटने के लिए, उसका आप छोटी छोटी दो स्मॉल गोल्ड लीफ बना सकते हैं और एल्यूमिनियम लीफ बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको लटका दो, ठीक है। अब घर में सोना नहीं ढूंढना है कि सर ने बताया था सोना बताओ कहां पे रखा हुआ है, तो आपको जस्ट एल्यूमिनियम फॉयल सस्ते से काम चला लेना है, ठीक है, तो वहां पे भी आप बना सकते हैं, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस क्लास, अभी हमारा टाइम हो रहा है तो वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस टॉपिक, कूलम्स लॉ वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। तो फिर भी अगर आप आगे आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के हमारे KVSRO Delhi Live 1 का जो YouTube चैनल है
उसकी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हमारी दी हुई है जो आगे के टॉपिक्स की है, ठीक है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर स्टडीज इफ यू हैव टाइम तो आप वहां पे जाकर के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन बच्चों, थैंक यू केवीएस अथॉरिटीज फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू द स्टूडेंट्स। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।